तमाम फसलों की खेती कर किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन आज कहीं न कहीं सभी फसलों को मशरूम ने पछाड़ दिया है। बलिया में खास तौर से मशरूम एक कमाई का अच्छा साधन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हर कोई इस पर फोकस कर रहा है। वर्तमान में मशरूम सब्जी के रूप में लोगों का पहला पसंद बन गया है। इसमें कई पौष्टिक तत्व होने के कारण स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। क्या आपने कभी सोचा है इसके बीज कैसे तैयार होते हैं? फफूंद से जुड़ी हुई इस सब्जी के बीज का राज आज हम आपको बता रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बीज के तैयार करने को लेकर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के एक्सपर्ट प्रोफेसर आशुतोष पाठक ने क्या कुछ कहा। जी बिल्कुल संभव है, और यहाँ पे बहुत से ऐसे प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं जो कि मशरूम की खेती कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे भी कर रहे हैं और छोटे पैमाने पे भी कर रहे हैं। मशरूम की खेती करने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि मशरूम का बीज का होना। मशरूम का बीज जो है आपको यहाँ बलिया में जो है एक वीडी मशरूम हब है, वहाँ से आपको इसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। उचित दर पर यह बीज मिलता है और ये स्वस्थ बीज दिया जाता है यहाँ से, ताकि जो है मशरूम का उत्पादन अच्छा हो सके। मशरूम के बीज बनाने के लिए प्रक्रिया में जो है सबसे अत्यावश्यक चीज़ है कि हमें बीज को जो है गेहूँ के दाने पर बनाना होता है। मशरूम का बीज जो है गेहूँ के दाने के ऊपर जो है संवर्धित होता है, उसके ऊपर बनता है, और उसी गेहूं के दाने को जो है हम कंपोस्ट या किसी अदर अन्य पोषाधार में जो है हम उसकी बिजाई छिड़कते हैं, बिजाई करते हैं, और उससे हम मशरूम का जो है उत्पादन करते हैं। मशरूम के बीज बनाने का तरीका है, मशरूम के बीज बनाने का तरीका है कि हम पहले जो है स्वस्थ गेहूं जो है पुष्ट गेहूं जिसको कह सकते हैं हम लेते हैं, उसको हम अच्छी तरह से धो लेते हैं। धोने के बाद जो है हम उसको जो है उबालते हैं 40 से 45 मिनट तक, ताकि मशरूम का जो दाना होता है वो जो है स्पॉन्जी यानी कि वो पिलपिला हो जाए, तब तक हम उसको उबालते हैं। उसके बाद जो है हम उसको उबालने के बाद जो है हम उसको जाली पर जो है डालते हैं, ताकि पानी जो है पूरी तरह से निकल जाए और सिर्फ दाना दाना रह जाए, गेहूं का दाना रह जाए। अब इस गेहूं के दाने को जो है हम एक प्लेटफॉर्म पर, एक समतल स्थल पर जो है हम उसको फैलाते हैं, और उसमें जो है हम दो केमिकल कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट को जो को 0.5 और 0.25% के हिसाब से जो है मिलाते हैं। उसके जब दोनों केमिकल आपने मिक्स कर लिया उस दानों पर, उबले हुए दानों पर, फिर हम उसको एक पॉलीबैग्स के अंदर यानी पॉलीथीन के अंदर भरते हैं, जिसका नाम पॉलीप्रोपिलीन बैग्स होते हैं। पॉलीप्रोपिलीन बैग्स में भरने के बाद हम उसको जो है ऊपर से डॉट लगा देते हैं कॉटन का, और उसको आगे जो है हम उसको स्टरलाइज करते हैं, यानी कि हम उसको कीड़ा रहित यानी जर्म रहित करते हैं ऑटोक्लेव में डालकर। ऑटोक्लेव एक ऐसा मशीन है जिसमें हम किसी भी जीवाणु को जो है हम मारते हैं, उस जीवाणु को जो है खत्म करते हैं। चूंकि गेहूं का दाना जो है लंबे समय तक स्टोर रहता है, लंबे समय तक जो है ये जो है रखा रहता है, तो इसमें कई तरह के जो है जीवाणु उसके ऊपर रहते हैं। अगर हम इसको जो है स्टरलाइज यानी कि इसको जो है हम ऑटोक्लेव ना करें, तो ये जीवाणु जो है पुनः जो है उत्पन्न हो जाएंगे और हमारा मशरूम का बीज खराब हो जाएगा। इसलिए हम इसको जो है स्टरलाइज करते हैं, इसको जो है हम पूरी तरह से जो है बीजाणु मुक्त कराते हैं ऑटोक्लेव में डाल के, और उसके बाद हम इसको एक लेबोरेटरी होती है जिसको हम स्पॉन लैब कहते हैं, उसमें हम ले जाते हैं। स्पॉन लैब में जो है हम इसको रखते हैं उतने दिन तक जितने दिन तक कि इसके अंदर की नमी जो है खत्म ना हो जाए। जब इसकी नमी खत्म हो जाती है, तब हम इस बीज जो उबले हुए बीज जिसको हम जिसको हमने बनाया है उसको हम किसी अदर जो भी हमारा मशरूम बनाने वाला फंगस होता है उससे हम उसको जो है तैयार करते हैं। ये बहुत ही एक सरल प्रक्रिया, लेकिन ये प्रक्रिया एक लैब प्रक्रिया है। इस लैब प्रक्रिया में आपको बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ऑटोक्लेव है, लेमिनार एयरफ्लो है, ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और एक स्किल हैंड की जरूरत पड़ती है जो मशरूम का बीज तैयार कर सके। आमतौर पर बहुत लोगों ने मशरूम के बीज को ट्राई किया है, यूट्यूब पर देखकर किया है, पढ़कर किया है, पर वो अब कई मानों में जो असफल कोशिश रही है। तो हम इनसे जिनों के मशरूम बीज तैयार करना है, हम यही कहना चाहेंगे कि वो इसका एक प्रॉपर ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग करने के बाद ही जो है मशरूम का बीज को तैयार करें। तो हमारे यहाँ मशरूम का बीज जो है सरलता से उपलब्ध होता है। ये एक स्पॉन लैब है जहाँ पे आपको मशरूम का बीज मिल जाता है। बलिया ही नहीं, बलिया के अपितु आपके बिहार के भी जो है मशरूम के ग्रोवर्स, बलिया के पूर्वांचल के मशरूम के ग्रोवर्स, पश्चिमांचल में जो है हमारे मशरूम ग्रोवर्स, ये सब जो है हमारे यहाँ से बीज जो है लेके गए हैं और उसका उत्पादन मशरूम का किया है, और इस चीज़ को वो जो है हमें अपना फीडबैक भेजा है कि आपका मशरूम का बीज जो है बेहतर रहा और उससे जो है पैदावार बहुत अच्छी आई है। लोकल 18 के लिए बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।